घर के लिए कुछ ना कुछ तो DIY बनाती रहती हूँ, तो सोचा क्यों ना आज अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए कुछ बनाऊं। हेलो एवरीवन, मैं भारती, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारती क्रिएटिव यूनिवर्स। तो दोस्तों देखिए, आज अपने गार्डन को सजाने के लिए मैंने जो है ये DIY बनाया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस DIY की। तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने इस तरह से चॉकलेट के कंटेनर्स को लिया है। मेरे पास ये चॉकलेट के कंटेनर्स ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सोचा क्यों ना इसी का कुछ उपयोग में लिया जाए। तो वीडियो में बताए अनुसार जो है आपको इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरह से इसको जो है कट कर लेना है, सर्जिकल कटर से कट करना है। वो कटिंग करने में बहुत ईजी रहता है और सावधानी रखना है कटिंग करते समय। तो कट करने के बाद में इसका कुछ ऐसा लुक है। कटिंग करने के बाद जो है इस पर मैंने जो है वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। आप चाहें तो जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने चारों तरफ जो है ये कलर अप्लाई कर दिया है। इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर भी आपको कलर अप्लाई करना है और अंदर के पार्ट में मैंने हाफ पार्ट में ही जो है कलर को अप्लाई किया है। अंदर पूरे में नहीं लिया क्योंकि वैसे भी वो छुप जाने वाला है, तो इसलिए सिर्फ ऊपर जो दिखाई देने वाला पार्ट है उसी में मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद जो है मैंने डेकोपेज टिशू यूज़ किया यहाँ पर, उसको साइज़ के अनुसार नाप के कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉड पॉज ग्लू अप्लाई किया है। आप चाहें तो अगर वो नहीं है तो आप जो है फेविकोल ग्लू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो टिश्यू पेपर में एक एक्स्ट्रा इस तरह के नीचे शीट आती है उसको निकाल लेना है। किसी किसी टिश्यू पेपर में जो है इस तरह की दो शीट्स आती हैं, तो आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज़ क्या एक बार स्टिक होने के बाद में जो है आपका ये पेज दोबारा उखड़ नहीं पाएगा, वो ख़राब हो जाता है। और धीरे धीरे ब्रश की हेल्प से जो है इसको ऐसे स्टिक करते जाना है, ध्यान से करना है जिससे कि वो श्रिंक ना हो, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि अगर पास पास में पेपर सिकुड़ जाते हैं तो उसका सही लुक नहीं आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी की मदद से जो है एक्स्ट्रा शीट को कट कर लिया है, मीन्स फाड़ लिया है, और फाड़ने के बाद जो है जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बच जाता है उसको जो है धीरे धीरे करके मैंने चिपका दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपके लाइक और शेयर से जो होता है और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है ताकि मैं नए नए वीडियोज़ ला सकूँ। चिपकाने के बाद जो है वापस से जो है पानी से जो है साइड के एरिए को मैं इस तरह से फाड़ लूँगी, और साइड के एरिए को फाड़ने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ जो टिश्यू पेपर है उसको अंदर के साइड में जो है फोल्ड कर दूँगी। वीडियो जो होती है 2 या 3 मिनट की होती है, 4 मिनट की होती है, हमें लगता है ये तो छोटी सी वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को बनाने के लिए उसके पीछे कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, वो तो बनाने वाला ही जानता है। इसीलिए अगर आप हम जो भी वीडियो होती है उसको अगर लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और आगे नए वीडियो बनाने के लिए जो है हम प्रेरित होते रहते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई कि जो डेकोपेज मैंने लिया था वो मुझे थोड़ा कम पड़ गया, तो कोई नहीं, ये डेकोपेज में यही एक फ़ायदा रहता है कि इसको आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जो पेपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे 2 कंटेनर में तो फुल अच्छे से डेकोपेज आ गया, बट इस कंटेनर के लिए जो था थोड़ा कम पड़ गया, बट कोई नहीं। मैंने जो है एक्रेलिक कलर लेकर जो है सेम कलर से जो है मैंने उसी तरह के कुछ फ्लावर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जिससे कि बाकी 2 कंटेनर से जो है वो मैच हो जाए। रेड के साथ में रेड को मिक्स किया है, पिंक के साथ में पिंक को मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से कुछ फ्लावर आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है कि जिसमें आपका पेपर कम पड़ जाए, तो पूरा वो मैच हो जाता है। उसके बाद में जो है बाकी का जो मेरा एरिया बचा था, जो कैप वाला एरिया था, उस पर मैंने जो सेम कलर को लेकर एक्रेलिक कलर से मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। मैंने स्पॉन्ज की हेल्प ली इसको कलर करने में। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर लेकर डॉटेड टूल से मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स बना दिए जिससे जो है कि इसका और भी अच्छा लुक आए। तो देखिए इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद जो है वापस से मॉड पॉज ग्लू लेकर जो है एक बार ऊपर से जो है आपको यहाँ पे अप्लाई कर, और ये जब ग्लू ड्राई हो जाए उसके बाद में जो आपको वार्निश लगाना है, वार्निश से आपकी जो भी आपने DIY बनाया है वो आपका सिक्योर रहता है, चाहे वो वाटर हो या फिर डस्ट हो, उसको आप क्लीन करने में आपके लिए बहुत ईजी रहता है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।